सो गाइस फ्लिपकार्ट की बीपीडी सेल के बाद फाइनली अमेजोन ने भी अपनी ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल का ऑफिशियली टीजर लॉन्च कर दिया है। अभी परसों ही फ्लिपकार्ट की बीपीडी सेल का टीजर लॉन्च हुआ था और आज अमेजोन का ये टीजर आ चुका है। देख सकते हो ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल कमिंग सून मेंशन है। अभी यहाँ पर कोई भी डेट को मेंशन नहीं किया गया, बट इसकी भी डेट जो है फ्लिपकार्ट जैसी ही सेम रहने वाली है। क्या डेट्स है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्राइम मेंबर्स के लिए एक दिन पहले ये सेल स्टार्ट हो जाएगी, तो प्राइम मेंबरशिप आपके होनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कार्ड डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर SBI का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों के ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिलने वाले हैं। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट लिखा हुआ है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर ज्यादातर डिस्काउंट्स आएंगे, डेबिट कार्ड पे उतने डिस्काउंट्स नहीं आते। सो अमेज़न की सेल के लिए SBI का क्रेडिट कार्ड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज ही जाके इस कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। कार्ड के लिए अप्लाई करो, सेल से पहले आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाए। इसके अलावा नीचे की तरफ लिखा हुआ है ग्रेट डील्स, इसके साथ साथ नो कॉस्ट EMI भी लिखा हुआ है। अगर आईफोन या फिर किसी और भी फोन के ऊपर नो कॉस्ट EMI आती है तो काफी ज्यादा तगड़ी डील हो जाएगी। इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफर करके भी मेंशन है, मतलब एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। और यहाँ पर कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स वगैरह का पेज बनाया हुआ है, बट कोई भी आईफोन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। नीचे की तरफ अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है विन आईफोन 15, बट ये विन लिखा है, मतलब इसके अंदर कोई आईफोन 15 के ऊपर ज्यादा कुछ खास डील्स आएगी नहीं। वो फ्लिपकार्ट के ऊपर आएगी, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में अगेन दिखाऊंगा। बाकी फ्रंट पेज पे और कुछ खास है नहीं, यही सब लिखा हुआ है 75% ऑफ 50% ऑफ, यही सब डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। बट जैसे आप क्लिक करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज को, तब मेन पेज जो है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर सारी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अंदर आईपैड और मैकबुक वगैरह भी मुझे नजर आ रहे हैं। डील रिवील कैलेंडर है, इसके अंदर डेट्स नहीं आई, लेकिन आपको यहाँ पे मैकबुक एयर M1 देखने को मिल रहा होगा, जो कि 60,000 के नीचे आएगा, लगभग 55,000 के आसपास। इसके अलावा आपको नीचे की तरफ यहाँ पे एप्पल आईपैड 10 जनरेशन भी देखने को मिल रहा है, जिसके आगे 2 मेंशन किया हुआ है, बीच में ब्लैंक है और बाद में 999 लिखा हुआ है, मतलब ये भी अंडर 30,000 आएगा और 25-26,000 के आसपास आपको मिल सकता है डील्स लगाने के बाद। ये देखो 10 जनरेशन जो है वो अमेज़न के ऊपर कंफर्म हो गया, और 9 जनरेशन जो था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो फ्लिपकार्ट के ऊपर आने वाला, और अंडर 20,000 आएगा, 18,000-19,000 के आसपास। इसके बाद मोबाइल वाले पेज पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये पूरा डेडिकेटेड पेज जो है वो देखने को मिल जाता है SBI के क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट। सबसे पहले यहाँ पे सैमसंग के फोन के ऊपर डील्स वगैरह हमें देखने को मिल रही है, M34 5G, S24 अल्ट्रा, और जिस हिसाब से यहाँ पे आगे डैश लगाया हुआ है इसका मतलब कि 1,00,000 के तो ऊपर ही आएगा, 1,00,000 के नीचे नहीं आने वाला। बाकी जल्दी डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाली है सैमसंग की S सीरीज से रिलेटेड भी। वैसे यहाँ पे साइड पर स्क्रॉल करने पर आपको और भी सारे सैमसंग के फोन जो है देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे S24 भी देखने को मिल रहा है, जो कि 50,000 के अंडर आएगा। इसके अलावा Z Flip 6 आ रहा है, Fold 6 भी अमेज़न के ऊपर ही आने वाला है। इसके अलावा OnePlus वगैरह की सबकी डील्स यहाँ पे आईको वगैरह की मेंशन की हुई है, लेकिन मुझे कहीं भी iPhones वगैरह नहीं नजर आ रहे। तो हो सकता है कि अमेज़न अभी इसको रिवील नहीं कर रहा, भीड़ को थोड़ा बांध के रखा जा रहा है। वैसे तो iPhone 14 के काफी ज्यादा चांसेस है कि अमेज़न के ऊपर ही आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि सारे iPhone जो है वो उस बार फ्लिपकार्ट के ऊपर आ जाए। वैसे लगभग 95% चांस है कि अमेज़न के ऊपर ही आएगा iPhone 14। और वैसे तो फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो बना चुका हूं, स्टिल यहां पे आपको दिखाया था कि फ्लिपकार्ट का कुछ इस तरह का पोस्टर आया था, यहां पे कमिंग सून करके मेंशन है। कार्ड्स यहां पे HDFC और फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे। पोस्टर इनका भी थोड़ा सा चेंज हो गया, और डेट वगैरह रिवील की थी जो कि इन्होंने अभी गायब कर दिया है, बट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था और कुछ इस तरह की डेट्स हैं। यहां पे आईफोन जो है 23 सितंबर को लिखा हुआ है, मतलब ये सारी डील्स जो इन डेट्स को रिवील हो जाएंगी। और इस पोस्टर से समझ आ रहा है कि आईफोन 15 जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर ही आने वाला है, तो ये चीज भी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी थी। बाकी इनकी डेट भी मैंने निकाल दी थी। अब फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल 2024 लिखोगे तो सीधा ये जो है आपको ऐप की तरफ ले जाता है, और ऐप के अंदर ये वाला पोस्टर जो है वो ओपन हो रहा है, जहाँ पे स्टार जो 27 सितंबर से लिखा हुआ है, 26 तारीख से अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैं सारी आईफोन की प्राइसिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको उस वीडियो का आई बटन के अंदर मिल जाएगा। और ऐसी अपडेट मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए लाता रहूंगा, सबसे पहले वीडियो नेटवर्क पर। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ करके रख लो, SBI का क्रेडिट कार्ड ले लो अगर आपको अमेज़न से कुछ परचेज करना है, इसके साथ साथ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या फिर HDFC का क्रेडिट कार्ड ले लो अगर आपको कुछ फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर परचेज करना है, क्योंकि अब बहुत ही जल्द सेल आने वाली है। आप यहाँ पे कार्ड लेते रह जाओगे, वहां पर सेल शुरू हो जाएगी, तो आपका कोई फायदा होगा नहीं। तो आज इसके लिए अप्लाई कर दो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल के रखे हैं, डेफिनेटली जाके इन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।